फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एस बी लिवॉन। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप घर पर ही चुटकियों में एलोवेरा जेल कैसे बना सकते हैं विद फ्यू टिप्स टू प्रिजर्व इट फॉर मंथ्स। वेल इन्फॉर्मेटिव होने के साथ साथ वीडियो शॉर्ट भी है, तो इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा, बिकॉज आई एम श्योर कि आज आप कुछ नया ज़रूर सीखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एलोवेरा जेल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज एलोवेरा लीव्स ली हुई हैं। अब आप देखिएगा, ये इसके जो साइड्स में ये थॉर्न्स टाइप के हैं, कांटे जो हैं, ये हमें नाइफ़ की हेल्प से इसे अच्छे से कट कर लेना है। हज़ारों सालों से लोग एलोवेरा को यूज़ करते आ रहे हैं बिकॉज ऑफ इट्स थेरापेटिक प्रॉपर्टीज़। वैसे मार्केट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांड्स दे आर सेलिंग 100% एलोवेरा जेल, बट स्टिल उसमें वो प्रिजर्व करने के लिए कुछ ना कुछ मिला देते हैं। और घर पे जो बना हुआ होता है एलोवेरा जेल, वो एक तो आसानी से बनता है और प्लस उसको वो हमें पता है कि इट इज़ 100% प्योर। तो दैट्स वाई आई प्रेफर होममेड एलोवेरा जेल। सो अकॉर्डिंग टू मी एवरी हाउस शुड हैव 1 एलोवेरा प्लांट। सो यहाँ देखिए, वो थॉर्न्स हटाने के बाद अब ये जो इसका लीव का जो ऊपर वाला पार्ट है, इसे बहुत ध्यान से हमको इस तरह से जैसे मैं हटा रही हूँ वैसे कट करना है। और ये स्पून की हेल्प से फिर मैं यहाँ से इसका जो जेल है उसे स्क्रैप आउट कर लूँगी। इसे बहुत ध्यान से निकालना है, ध्यान रहे कि जो ग्रीन वाला पार्ट है वो कम से कम आए और जितना हो सके ये जेल आप इसमें से निकाल लें। सो यहाँ अगर मैं आपसे एलोवेरा के बेनिफिट्स के बारे में बात करूँ, तो ये हेड टू टो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। स्किन और बालों को मॉइस्चराइज करने के साथ साथ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को दूर करता है और वेट लॉस में भी हेल्प करता है। अब आगे के प्रोसेस में मुझे क्या करना है कि ये जो मेरे पास ये स्लाइमी जेल है, अब मैं इसे मिक्सर में डालकर ब्लेंड कर लूँगी। ये देखिए, मिक्सर में मैंने ऐड कर दिया है और इसे मुझे लगभग 2 मिनट्स के लिए मैं इसमें इसे मिक्सर में चलाऊंगी। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से इसके ऊपर झाग आ जाएंगे। हमारा एलोवेरा जेल बनकर बिल्कुल तैयार है। अब आप इसे प्लास्टिक कंटेनर में ट्रांसफ़र करके आराम से 1 महीने के लिए फ्रिज में रख सकते हैं और ये बिल्कुल भी ख़राब होने वाला नहीं है। इस एलोवेरा जेल में हमने कुछ भी ऐड नहीं किया है, तो ये कंज्यूम करने के लिए, फेस पैक में यूज़ करने के लिए, हेयर पैक में यूज़ करने के लिए बिल्कुल सेफ़ है। अगर आप इसे और क्लियर बनाना चाहते हैं तो आप इसे छन्नी में छान भी सकते हैं, बट मुझे ये ऐसे ही ठीक लगता है, तो मैं इसे ऐसे ही रखूँगी अपने पास। और जब भी इसे यूज़ करना हो तो ड्राई स्पून लेकर इसमें से आप जितना चाहिए उतना निकालिए और फिर वापस इसे एयर टाइट इसी कंटेनर में करके अच्छे से बंद करके फ्रीज़र में वापस रख दीजिए। अब मैं आपको बताऊँगी कि जो एलोवेरा जेल है उसे प्रिजर्व करने का एक और तरीका होता है। तो उस तरीके में मैं क्या करूँगी कि इसमें मैं विटामिन ई के ये कैप्सूल्स हैं जो मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ, तो जो मेरे पास क्वांटिटी है उस क्वांटिटी के लिए मुझे 2 कैप्सूल्स की ज़रूरत है। इन कैप्सूल्स को आप इसके अंदर डालेंगे तो ये आपके लिए स्किन और हेयर के लिए बहुत अच्छे से यूज़ होगा और ये डार्क स्पॉट्स को बहुत अच्छे से हटाएगा, बालों के लिए बहुत अच्छे से उन्हें मॉइस्चराइज करेगा और ये आपका कम से कम 7-8 महीने तक आप इसे आराम से प्रिजर्व कर सकते हैं विटामिन ई के साथ। बट मेक श्योर कि आप इसे फ्रिज में रखें और टाइम टू टाइम जब भी आपको इसे यूज़ करना हो, इसमें से निकालना हो, तो वही ड्राई स्पून से इसे अच्छे से निकालिए और फिर वापस बंद करके फ्रिज में रख दीजिए। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि घर पर एलोवेरा जेल बनाना कितना इजी है और बनाने के साथ साथ आपको दिल में एक ये भी सेटिस्फेक्शन आपके रहेगा कि आप जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ 100% प्योर। सो फ्रेंड्स, एट द एंड में यही कहूँगी कि आप इसे घर में एक बार ज़रूर बनाइए और अपना जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करिए एंड मेरे वीडियो को लाइक करिए, उस पर कमेंट करिए ज़्यादा से ज़्यादा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड मिलते हैं आगे फिर न्यू वीडियोज़ में। बाय बाय, टेक केयर।